मदरसों की जांच कराएगी योगी सरकार। फर्जी मदरसों की शिकायत के बाद जांच का लिया गया फैसला। मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेते रहे हैं 7,000 से ज्यादा मदरसे। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देवा ने पशुपतिनाथ मंदिर के किया दर्शन पूजन। काशी के कोतवाल का लिया आशीर्वाद। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी की पूजा अर्चना। यूपी बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक मामले के बाद सभी जिलाधिकारियों को बड़ा निर्देश। डबल लॉक वाली अलमारी में रखे जाएंगे प्रश्न पत्र। दो केंद्र व्यवस्थापकों के पास रहेगी चाबी। बीजेपी के प्रभारी मंत्रियों के नए सिरे से होगी नियुक्ति। कई मंत्रियों को मिल सकता है एक से अधिक जिलों का प्रभार। यूपी उत्तराखंड में सामने आया फूड प्वाइजनिंग का मामला। बदायूं में 28 और शामली में करीब 18 लोगों की बिगड़ी तबीयत। हरिद्वार में भी कई लोगों की हालत खराब। प्रतापगढ़ में एसडीएम पर दर्ज हुआ हत्या का केस। तहसील कर्मचारी को पीटने के आरोप। इलाज के दौरान हुई मौत। 30 मार्च की घटना। यूपी में 12 अप्रैल के बाद कई आईएएस अधिकारियों के होंगे तबादले। सचिव और कमिश्नर स्तर पर हो सकती है तैनाती। 2006 बैच के आईएएस अधिकारियों की भी होगी तैनाती। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन आज जय माता दी के जयकारों से गूंजे मंदिर। भक्त कर रहे हैं मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख हुई तय। 3 मई की सुबह 11:15 पर पूरे विधि विधान के साथ खुलेंगे कपाट। अगले 6 महीने तक श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। देश में गर्मी ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। 1901 के पहली बार मार्च में पड़ी भीषण गर्मी। दिल्ली में अगले 3 दिनों तक लू चलने की चेतावनी। शनिवार रात आसमान पर दिखी रहस्यमयी रोशनी। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश समेत कई इलाकों में दिखी हैरानी करने वाली तस्वीरें। उल्कापिंड या सैटेलाइट के टुकड़े होने की संभावना। पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव से पहले पूर्व पीएम नवाज शरीफ पर हमला। बेटी मरियम ने की इमरान खान की गिरफ्तारी की मांग। लंदन में रह रहे नवाज पर हुआ हमला। पाकिस्तान में जल्द हो सकते हैं मध्य अवधि चुनाव। इमरान खान ने संसद भंग करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा। कहा आवाज करे चुनाव की तैयारी। पाकिस्तान में कराची की सड़क पर रात में उमड़ी इमरान समर्थकों की भीड़। इमरान के सपोर्ट में लगाए नारे। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। इमरान खान की अपील के बाद कराची में सड़कों पर उतरे इमरान समर्थक। इमरान के समर्थन में की रैली।